तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है, ये लाइट आईसी के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आईसी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वन बाय वन करके आपको टॉपिक वीडियो दे रहे हैं, ताकि आप आईसीओ के बारे में, आईसीओ को पहचानना है या आईसी मोबाइल फोन में कैसे काम करती है, कौन से आईसी का क्या नाम होता है, या बोर्ड के अंदर अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो उस मोबाइल फोन के अंदर आप आईसीओ को पहचानते कैसे हैं। मतलब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएगा तो आप आईसीओ को कैसे पहचानेंगे, बोर्ड में ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आईसी क्या है, उस आईसी का काम क्या है, उस आईसी का वर्किंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ, वो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, वो लाइट आईसी के ऊपर है कि मोबाइल फोन के अंदर लाइट आईसी कैसे काम करती है, लाइट आईसी का मोबाइल फोन में क्या रोल होता है, और लाइट आईसी को मोबाइल फोन में हम लोग कैसे पहचानते हैं, ताकि अगर लाइट आईसी खराब हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं, लाइट आईसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या लाइट आईसी के लिए मार्केट में छोटे छोटे अलग से चार्जिंग के सर्किट भी आते हैं, मतलब चार्जिंग सॉरी कह रहा हूँ, लाइट के अलग अलग सर्किट भी आते हैं, वो सर्किट क्या उनका रोल होता है, और उनको अगर ये खराब हो जाते हैं, अगर ये सेक्शन खराब हो जाता है, तो आप कैसे उस लाइट सेक्शन को, लाइट सर्किट को आप अलग से कैसे अटैच कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ताकि जितने ऐसे लोग हैं जो लाइट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो लाइट की समस्या को नहीं ठीक कर पाते, ऐसी परेशानी आती है, तो आज उनके लिए बड़ा इस टॉपिक में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। दोस्तों, जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है, ये सागर मार्केट जो कानपुर सेंट्रल के बिल्कुल जस्ट नियर अबाउट, कानपुर सेंट्रल के मात्र 300 मीटर दूरी पर ये ट्रेनिंग सेंटर है। आप चाहें तो आराम से आ सकते हैं, आराम से विजिट कर सकते हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो लाइट आईसी के ऊपर होने वाला है कि हमारे पास जो कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर लाइट आईसी जो होती है, लाइट आईसी का क्या रोल होता है, लाइट आईसी कैसे काम करती है, या लाइट आईसी का मोबाइल फोन का काम क्या होता है, इसके प्रिंसिपल को हम लोग दोस्तों समझने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, लाइट आईसी डिस्प्ले में लाइट जलाने का वर्क करती है, मतलब डिस्प्ले में लाइट को जलाने का काम करती है, डिस्प्ले में लाइट को कंट्रोल करने का काम करती है, या आईसी 6 पिन या बॉल टाइप में भी होती है। इसकी पहचान के लिए इसके पास में इसकी पहचान के लिए इसके पास में बूस्ट डायोड कैपेसिटर लगा होता है, मतलब जो आईसी जहां पर भी लगी होती है उस आईसी के पास में क्वाइल और कैपेसिटर लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। इस तरीके से मोटी सी एक क्वाइल लगी होती है, क्वाइल के बाद फिर आपकी लगी होती 6 पिन की लाइट आईसी, लाइट आईसी के आगे लगा होता है 2 पिन का डायोड, डायोड के पास में लगा होता है एक कैपेसिटर, लाइट आईसी में एक डॉट होता है, पिन नंबर 1 2 3 4
ये 6 पिन की लाइट आईसी लगी होती है। लाइट आईसी क्या काम करती है, अपने अंदर 3.7 वोल्टेज को लेती है, 3.7 को वोल्टेज को लेने के बाद फिर अपने पास से 14 से लेकर के 24 वोल्टेज को आउटपुट करती है। ये होता है इसका इनपुट और ये होता है इसका आउटपुट। तो जो भी हमारे पास मोबाइल फोन पाए जाते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो लाइट आईसी लगी होती है, वो लाइट आईसी का काम क्या होता है, 3.7 वोल्टेज को लेना, 3.7 लेने के बाद उस वोल्टेज को बूस्ट करना, बूस्ट करने के बाद 14 से 24 वोल्टेज में आउटपुट करना। अगर देखा जाए तो इसका पर्टिकुलर मोबाइल फोन के अंदर एक अलग से पूरा सेक्शन ही बना होता है, या कुछ मोबाइल फोन में ऐसा भी होता है कि लाइट आईसी इस तरीके से ना होकर के बॉल टाइप में होती है, जिसको हम लोग इसकी भाषा में पीएमआई भी कहते हैं। इसके पास में सेम एक आपको मोटी सी क्वाइल मिलेगी, मोटी सी क्वाइल के पास में जस्ट एक यहीं पर 2 पिन का डायोड मिलेगा और एक आपको कैपेसिटर मिलेगा। मतलब जहां पर अगर आप देखेंगे ये पिन वाली आईसी ना हो करके ये आईसी बॉल वाली आईसी हो जाती है, मतलब बॉल टाइप में होती है, और पिन वाली जो आईसी होती है जो अलग से सर्किट में लगी होती है वो पर्टिकुलर लाइट के लिए ही यूज करी जाती है। लेकिन जो ये पीएमआई आईसी होती है ये लाइट के लिए भी होती है, चार्जिंग के लिए भी होती है, और भी मोबाइल फोन के अंदर इसके कई सारे सर्किट होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये अलग सिंपली लाइट के लिए यूज करी जा रही है, ये मोबाइल फोन के अंदर और भी सर्किट को कंट्रोल करती है और भी सर्किट को चलाती है। अगर आप इस आईसी को सिंगल आईसी लगी होती है इस आईसी को रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ मोबाइल फोन में लाइट की ही समस्या आ जाती है, लेकिन अगर इस आईसी को रिमूव कर देते हैं या इस आईसी को बाहर हटा देते हैं तो आपका मोबाइल फोन डेड की पोजिशन में पहुंच जाता है, आपका मोबाइल फोन बंद भी हो जाता है। तो जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में लाइट आईसी का प्रयोग किया जाता है। अगर लाइट आईसी नहीं होगी तो आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी। अगर डिस्प्ले में लाइट से संबंधित कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप इस आईसी को चेक करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं कि इसको बोर्ड में कैसे पहचानते हैं, कि बोर्ड में पहचानने का तरीका क्या है और पीसीबी में कैसे इसको पहचानेंगे। मैं आपको दोनों तरीके के आईसी मैं आपको दिखाता हूँ, पिन वाली भी दिखाता हूँ और मैं आपको बॉल टाइप वाली भी दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे बॉल टाइप में, ये पिन वाली, सॉरी ये देखिए आपकी आईसी लगी है, ये आपका पूरा लाइट के लिए अलग से सर्किट बना हुआ है, ये आपकी क्वाइल है, ये आपकी आईसी है, 6 पिन है इसमें से, ये आपका डायोड लगा हुआ है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये लाइट के लिए हमारा सर्किट यूज किया गया है। ये क्या काम करेगा, यहां पर 3.7 वोल्टेज को लेना है और इसका जो आउटपुट होगा 14 से लेकर 24 वोल्टेज का क्या होना है, आउटपुट होना है। मतलब सीधी सी बात है वोल्टेज का बूस्ट होना है, क्या होना है, वोल्टेज को बूस्ट होना है। अब बूस्ट कैसे होता है, बूस्ट करने का तरीका क्या होता है, ये फिर मैं आपको जो आगे सर्किट बताऊंगा, आगे ट्रेसिंग बताऊंगा, जो आगे चल करके मैं आपको वो भी सीरीज लेकर के आऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग आईसी की पहचान के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चल रहे हैं, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये लाइट आईसी के बारे में मैंने आपको समझाया है। अब देखिए मैं आपको दूसरा बोर्ड ओपन करता हूं, ये देखिए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो पीएमआई लिखा हुआ है। तो ये आपके मोबाइल फोन में जो उसमें से अगर आप देखेंगे तो उसमें से पिन वाला सिस्टम दिया था, इसमें कैसा सिस्टम दिया है, बॉल वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो जो भी मोबाइल फोन आते हैं दोनों मोबाइल फोन में दोनों तरीके के आईसी के बारे में मैंने आपको दिखाया हुआ है। एक बार मैं आपको दोनों आईसी को एक साथ दिखा देता हूं, एक का तो ये सर्किट है, देखते हैं दोनों बोर्ड आ भी पाते कि नहीं आ पाते, कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं दोनों के बारे में।
तो देखिए ये आपका जो पिन वाली आईसी लगी है, 6 पिन लाइट आईसी, EMI, इसके अंदर अलग अलग सर्किट होते हैं। एक सर्किट जो होता है ये हमारा लाइट का सर्किट होता है, इसका सर्किट होता है डिस्प्ले लाइट का सर्किट होता है, जो डिस्प्ले में लाइट जलाने के लिए काम आता है। तो अगर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मोबाइल फोन में दोनों तरह के सर्किट बने होते हैं, या तो इस तरीके का सर्किट बना होता है या तो इस तरीके का सर्किट बना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको मोबाइल फोन के अंदर जो लाइट आईसी आती है, मदरबोर्ड के अंदर लाइट आईसी लगी होती है, वो लाइट आईसी कैसे काम करती है और लाइट आईसी को पहचानने का तरीका क्या है, बोर्ड में लाइट आईसी को कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में आपने देखा हुआ है। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको टॉपिक के बारे में आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या और भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोग रिपेयरिंग के लाइन से जुड़े हैं और आपको कोई रिपेयरिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई काम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आकर के आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिया है 6391711711, 6391211211, इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या बात करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि सर जो चीज़ मुझे समझ में आई थी वो समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, या उस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको और भी वीडियो चाहिए तो भी आप मैसेज करके वीडियो ले सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अगर इस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरा एडवांस लेवल तक ही आगे सर्किट लेवल तक की, सप्लाई लेवल तक की, मोबाइल फ़ोन मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाएगा, बोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाएगा, बोर्ड में आने वाले फॉल्ट हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, या उनको ठीक करने का तरीका क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन में अनलॉकिंग कैसे करनी है, फ्लैशिंग कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, आईसीयू को कैसे चेंज करना है, रिवॉल्विंग कैसे करना है, अगर इस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप दोस्तों अपने ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, फिलहाल वो बांदा के रहने वाले हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो पहले कहीं ट्रेनिंग ले रहे थे, सीख रहे थे, उन्होंने कुछ पैसा भी जमा कर दिया था, कह रहे थे कि सर हमको 2 महीने हो गए क्लास करते करते, लेकिन 2 महीने के क्लास में मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और वहाँ तक कि सिर्फ हम बैठे रहते थे, अपना समय वेस्ट करते रहते थे, उनसे हम यही अनुग्रह करते थे कि सर आपको सिखा दीजिए, कुछ सिखा दीजिए, लेकिन फिर भी हमको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। आज वो हमारे पास आए थे, पूरा जानकारी ले गए, पूरा इन्फॉर्मेशन ले गए, अपना एडमिशन करा कर गए, और उन्होंने ये बोला कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, जो आप सर मुझे वीडियो दे रहे हो, ये इतनी सारी चीज़ें जो एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालते हो सब चीज़ों के बारे में, उन वीडियो को उन्होंने बहुत अच्छे से नोट कर रखा था, पूरा कॉपी तक दिखाया था कि सर देखिए मैंने इतना सारा चीज़ मैंने सीख रखा है। तो उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए इसलिए प्रेफर किया क्योंकि उनको ये लगा कि जब मैं 2 महीने से कहीं पर काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद भी नहीं सीख पा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से मुझे जब इतना सीखने को मिल रहा है, इतना सारा डीप लेवल में एडवांस लेवल में जानकारी मिल रही है, तो अगर मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा तो हमको कितना सीखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को आज ज्वाइन किया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दीपावली के फेस्टिवल में वेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 15 तारीख को आने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी अगर आना चाहते हो, या आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो 15 तारीख के बैच में अगर ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप नीचे मैसेज पर कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, और बैच आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बैच आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कंफर्मेशन में आपको बैच मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को सब ने दीपावली के बाद ही आने को बोला है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आने का मतलब ऐसा नहीं कि 100 एक साथ आओ और फिर बाद में एक साथ आ जाओगे तो फिर हम परेशान हो, तो ऐसी कोई काम ना करें और आप अपना बैच ले लें, बैच लेने के बाद टाइम से ही आएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।